और मेरे भाई तीसरा 2020 में हार गए, बहुत बुरी तरह आ रहे, 10 विकेटों से आ रहे। लोग सोच रहे हैं कि क्या वाकई पाकिस्तानी टीम नंबर वन थी? 11 मुसलसल सीरीज जीती थी हमने, और इस तरह जीती थी कि जो हमारे मुखालफिन होते थे पाकिस्तान में तो कभी पाकिस्तान को हरा ही नहीं पाए थे, और हम लोग ऑल आउट कर देते 20 ओवर के अंदर अंदर। आखिर अचानक इस टीम को क्या हो गया कि अब ये मुसलसल हारे चली जा रही है? मेरे भाई ये सारी कहानी तब शुरू हुई जब यूएई पाकिस्तान की टीम जा रही थी, और उस वक्त के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने 6 तब्दीलियां कर दी थी टीम में कैप्टन समेत। जाहिर है हम हार गए थे उस वक्त ऑस्ट्रेलिया से, बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी उस वक्त हमारी, लेकिन उस 6 तब्दीलियों ने आपकी टीम का ऐसा बैंड बजाया जो चलता रहा। वर्ल्ड कप में भी एक मसला था कि एक सियासत आ चुकी थी टीम में, और जो एक यूनिटी चल रही थी 2 साल से चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद से लेके अब तक, वो ब्रेकअप हो गई थी। बहुत सारे लोगों को सरफराज अहमद को हटाना था, लेकिन ज़ाती अनाद में ना मुल्क के मुफाद को बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर श्रीलंका की सीरीज में कुछ हैरान कन परफॉर्मेंस थी हमारे प्लेयर की, जो समझ में नहीं आई किसी को। इस सीरीज में सिर्फ बाबर आजम खेल रहे थे या इफ्तखार खेल रहे थे? फखर जमा 2020 का अच्छा प्लेयर है लेकिन फॉर्म में नहीं है। दूसरे मामूल तो 2020 के प्लेयर ही नहीं है मेरे भाई, आप उनको क्यों लेके गए थे? हारिस सोहेल टेस्ट वनडे का बहुत अच्छा है, उनको भी 2020 में आपने खिलाया हुआ है, और बहुत इस वक्त अहम ज़रूरत है कि जिस शर्जील खान को PSL में इन कर